मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मॉर्निंग का व्यू यहाँ पे मैं कुछ शेयर कर रही हूँ और इस वीडियो में आपको ब्लॉसम सिटी का भी फुल टूर मिलेगा। ब्लॉसम सिटी का पहले तो मैं बाहर बाहर से दिखाऊंगी, सेंट्रल पार्क से और रोड से जितना कुछ भी हो सकता है, उसके बाद मैं अंदर का भी कुछ व्यू दिखाऊंगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, वरना आप पूरा नहीं देख पाएंगे। आप ये मत सोच के थोड़ा सा देख के भाग जाइएगा कि अब हो गया वीडियो, बाहर बाहर दिखा दिए, हो गया जी, नहीं। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। चैनल पे कहीं से भी आए होंगे फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए एक तितली कितना प्यारा सा आके बैठ रहा है फूलों के ऊपर बार बार। ये मेरा बालकनी है और यहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा देखिए मॉर्निंग का है। और ये तितली मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं इसको अपने कैमरे में कैद कर ली और बार बार उड़ रहा था, फूलों के ऊपर आके बैठ रहा था। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे, नीचे जा रही हूँ अपने बेटा को स्कूल छोड़ने। मॉर्निंग का कुछ व्यू है देखिए, इस तरह का मौसम देखिए कितना प्यारा सा बन रहा है बारिश का, और बारिश हो भी रहा था अभी थोड़ी देर पहले। और देखिए बादल एकदम नीला नीला आसमान में छाया हुआ है, बहुत ही सुहाना मौसम है। हवा इतनी अच्छी बह रही है ना सुबह में, मॉर्निंग में एकदम ठंडी ठंडी हवाएँ बह रही है। उसके बाद अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो देखते रहिए आप लोग, एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको ब्लॉसम सिटी देखिए दिख रहा है साइड से, जो हम जा रहे हैं ना अभी सेंट्रल पार्क की तरफ, तो ये रोड से कुछ नज़ारा इस तरह का है। आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ से मैं वीडियो ले रही हूँ। उसके बाद अभी मैं सेंट्रल पार्क में जाऊँगी तो वहाँ से भी दिखाऊँगी जितना हो सकता है। और हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊँगी, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे देखिए आर गैलेरिया एक आने वाला है। हो सकता है कि बहुत लोगों को नहीं पता हो, हालांकि इसके बारे में एक बहुत अच्छा सा वीडियो मैं बहुत पहले ही बना के डाली हुई हूँ मेरे चैनल पे। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग विजिट कीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आज जा रही हूँ अभी सेंट्रल पार्क की तरफ। आर गैलेरिया मतलब बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पर भी आने वाला है आगे चल के। उसके बाद देखिए यहाँ सेंट्रल पार्क में नया क्या हुआ है वो मैं बता रही हूँ। ये जो गेट है, पहले इधर पत्रा लगा हुआ था, बंद था, पूरी तरह से क्लोज था, अभी ओपन हुआ नहीं है पर ये पत्रा हट चुका है। ये फेस वन की तरफ ओपन हो जाएगा तो बहुत नज़दीक हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चलते हैं रिटर्न पीछे साइड जिधर ब्लॉसम सिटी है, तो ब्लॉसम सिटी का बिल्डिंग यहाँ पर अच्छे से आपको दिखेगा। जो लोग बोले थे कि टावर 5 दिखाइए, उनका देखिए दिख गया होगा यहाँ पे, टावर 5, टावर 6, टावर 4 सारा दिख रहा है यहाँ से, एकदम क्लियर दिख रहा है सेंट्रल पार्क से। इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी कि नहीं, आप सबका रिक्वेस्ट आया तो मुझे दिखाना ही है, और फिर अंदर से भी दिखाऊंगी थोड़ा बहुत, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ अगर आप लोग दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं मेरा, तो सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन है मेरे
यूट्यूब पे वीडियो पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे कमेंट का जो ऑप्शन आता है वहाँ पे सुपर थैंक्स का एक ऑप्शन आता है, सुपर थैंक्स भी आप कर सकते हैं मुझे। यहाँ पे देखिए तुलसी वगैरह कितना सारा लगाया गया है, तुलसी का पौधा बहुत बारिश में अच्छा हो गया है। और वो जो चाय में डालते हैं ना, ये वाला देखिए पौधा, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, अगर आप सबको पता होगा तो प्लीज़ बताइएगा। फिर इसके आगे भी देखिए तुलसी लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एकदम नज़दीक से मैं आपको ब्लॉसम सिटी दिखा रही हूँ। इनका घर है क्लस्टर 6 में, वो भी खुश हो जाएंगे, क्लस्टर 6 भी यहाँ पे दिख रहा है। अभी चलिए चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ से देखिए रास्ते से मैं नीचे यहाँ दिखा रही हूँ, यहाँ फुटपाथ बन रहा है ब्लॉसम में। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने गेट पे, सोसाइटी के गेट पे, तो जा रही हूँ अंदर मैं। अभी हम जा रहे हैं फायर एम की तरफ। और हवा देखिए कितना प्यारा प्यारा एकदम मौसम लग रहा है ना, सुबह का मॉर्निंग का एकदम मौसम बहुत ठंड लग रही है, सच पूछिए तो बहुत ही हवा चल रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोग अपना घर, अपना सोसाइटी। चलिए अब चलते हैं हम लोग P2 के तरफ, जो हमारा क्लस्टर 4 का P2 एरिया है। ये क्लब हाउस हमारा, और आगे झूला वगैरह भी दिखाऊंगी मैं। अभी बारिश का मौसम है तो एकदम हरा भरा, हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखेगा आपको। यहाँ पे झूला और बच्चों का स्लाइड वगैरह सब है,
एरिया में गणपति पूजा होता है, यहीं पे गणपति जी का स्थापना होता है। फिलहाल अभी बहुत तेज़ बारिश आ रहा है, बहुत ही तेज़ बारिश आ रहा है, ज़ोरदार एकदम। तो हम जल्दी जल्दी से घर जाते हैं। देखिए बारिश आ गया, छाता से मेरा पानी टपक रहा है इतना ज़्यादा। हालांकि कैमरा में बारिश दिख नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं। अभी हम चलते हैं ऊपर और कुछ DFC का व्यू देखिए। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ जो रेलवे लाइन का काम चल रहा है, ये मैं अपने बालकनी से मतलब पीछे से खिड़की से ली हूँ। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बहुत लोग समझ रहे हैं कि रोड बन रहा है, इसके लिए कमेंट भी आया था कि ये कौन सा रोड बन रहा है। तो ये रोड नहीं है, रेलवे लाइन है, मालगाड़ी का रेलवे लाइन है, इस पर मालगाड़ी जाएगा। और एक कमेंट और भी आ रहा था बहुत दिनों से, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगी, अभी बनाई नहीं हूँ, कि लोकल चालू होगा कि नहीं इस एरिया में, जो नीलजे वाला एरिया है क्या है मतलब लोकल का स्टेटस। तो उसके ऊपर भी मुझे एक दिन वीडियो बनाना है, 2-3 बार उस पर कमेंट आया है उसके लिए। और यहाँ पे देखिए मौसम कितना सुहाना लग रहा है ना, एकदम बारिश का भी मौसम बहुत ही प्यारा लगता है। किस किस को बारिश पसंद है ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा एक बार कमेंट करके। और एक कुछ नीचे का व्यू हमारे सोसाइटी का देखिए इस तरह से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।